हरियाणा सरकार के मंत्री संदीप सिंह के इस्तीफे की मांग को लेकर लगातार विपक्षी पार्टियों के द्वारा दबाव बनाया जा रहा है। छेड़खानी के आरोप लगे हैं संदीप सिंह पर और इसी को लेकर आम आदमी पार्टी की हरियाणा की जो यूथ विंग है उसके कार्यकर्ताओं के द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है। ये सब जो कार्यकर्ता आप देख रहे हैं आम आदमी पार्टी हरियाणा के यूथ विंग के कार्यकर्ता हैं। ये लोग आगे बढ़ रहे हैं, संदीप सिंह का जो सरकारी निवास है वहां पर जाकर घेराव करना चाहते हैं। आप देखिए जो युवा कार्यकर्ता हैं हरियाणा के वो यहाँ पर जुटे हैं और लगातार आगे बढ़ रहे हैं। पुलिस इनको रोकने के लिए लगाई गई है। जो सरकारी आवास है, देखिए जो सरकारी आवास है संदीप सिंह का, उसकी ओर जाने वाले रास्ते पे पुलिस बल बड़ी संख्या में लगाया गया है और इन कार्यकर्ताओं को रोकने की यहाँ पर पहले से ही पुलिस ने तैयारी कर रखी है। संदीप सिंह चंडीगढ़ में ही मौजूद है, हालांकि इस प्रदर्शन के दौरान वो अपने घर से कहीं गए हुए हैं, घर पर मौजूद नहीं है, लेकिन बड़ी संख्या में आप देखिए जो कार्यकर्ता हैं आम आदमी पार्टी हरियाणा के यूथ विंग के वो आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। पुलिस उनको रोकने का प्रयास कर रही है। बसें यहाँ पर लगाई गई हैं और इन बसों में भरकर इन कार्यकर्ताओं को यहाँ से हटाने की तैयारी भी की गई है। पहले से ही व्यापक प्रबंध यहाँ पर कर लिए गए थे क्योंकि प्रदर्शन का ऐलान किया गया था आम आदमी पार्टी यूथ विंग के द्वारा। तो अभी आप देखिए ये जो संदीप सिंह की का सरकारी निवास है वहां तक ये कार्यकर्ता जाना चाहते हैं लेकिन पुलिस इनको रोक रही है, समझाकर पीछे हटाने का प्रयास कर रही है और इनको गिरफ्तार करने की भी तैयारी है। आप देखिए फिलहाल ये जो कार्यकर्ता हैं वो यहां पर जमीन पर ही बैठ गए हैं और लगातार नारेबाजी कर रहे हैं और पुलिस का प्रयास है कि ये लोग जो संदीप सिंह का सरकारी निवास है वहां तक ना जा पाए, किसी भी तरह का हंगामा ना हो, लेकिन नारेबाजी यहां पर की जा रही है। संदीप सिंह के इस्तीफे को लेकर ये लोग अड़े हुए हैं और लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। तो हरियाणा की सभी विपक्षी पार्टियों ने संदीप सिंह के इस्तीफे की मांग को लेकर काफी हंगामा कर रखा है और उसमें अब आम आदमी पार्टी जो कि हरियाणा में लगातार खड़े होने का प्रयास कर रही है वो भी इस प्रदर्शन में लग चुकी है और एक जोरदार प्रदर्शन संदीप सिंह के घर के पास किया जा रहा है। चंडीगढ़ में आम आदमी पार्टी की हरियाणा की यूथ विंग का जोरदार प्रदर्शन चल रहा है। संदीप सिंह जो कि हरियाणा सरकार के मंत्री हैं उन पर छेड़खानी के आरोप लगे हैं, उनकी गिरफ्तारी की मांग को लेकर ये जो कार्यकर्ता हैं अपने हाथों में ये बैनर लेकर पोस्टर लेकर पहुंचे हैं जिसमें लिखा हुआ है संदीप सिंह हटाओ बेटियां बचाओ। आप लोग कहाँ से यहाँ पहुंचे और क्या मांगे? मैं वरुण ढांडा जींद से हूँ और हरियाणा सरकार अभी तक संदीप सिंह को बर्खास्त न करके ऐसे लोगों को हौसला दे रही है जो एक संदीप जैसी सोच रखते हैं और ये बहुत बहुत ज्यादा बड़ी गलत बात है। हरियाणा सरकार को अभी तुरंत के तुरंत संदीप सिंह को बर्खास्त कर देना चाहिए। अच्छा, आप लोग यहाँ पर पहुंचे हैं लेकिन संदीप सिंह के घर का घेराव करना चाहते थे, वहां तक तो जाने नहीं दिया गया आपको? पुलिस बहुत ज्यादा है, इस करके पुलिस ने रोक लिया है और संदीप सिंह गिरफ्तार होने चाहिए जिन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया है और बेटियों को बचाना हमारा वादा है। खट्टर साहब ने जो एसआईटी बनाई है वो किस बेस पे बनाई है, उसकी क्या जरूरत है? इनका इस्तीफा चाहिए हमें। अगर इसी प्रकार से ये लोग बेटियों का हनन करते रहेंगे तो कैसे हरियाणा के अंदर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा साबित होगा? तो संदीप सिंह का इस्तीफा चाहिए ये मांग कर रहे हैं आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और लगातार चंडीगढ़ में काफी हंगामा चल रहा है और इस्तीफा दें संदीप सिंह, उनको गिरफ्तार किया जाए, उन पर मामला चले, ये तमाम मांगे आम आदमी पार्टी के द्वारा उठाई जा रही है। आम आदमी पार्टी की हरियाणा की यूथ विंग के कार्यकर्ता चंडीगढ़ में पहुंचे हैं और हरियाणा के मंत्री संदीप सिंह जिन पर जूनियर कोच के साथ छेड़खानी के आरोप लगे हैं उनके घर का घेराव करना चाहते हैं लेकिन पुलिस ने इनको रोक दिया। आप देखिए पुलिस के बंदोबस्त यहां पर थे सेक्टर 7 में जो सरकारी आवास है संदीप सिंह का। हमारे साथ ज्योति सांगवान है जो कि स्टेट ज्योति अलावत जो कि स्टेट वाइस प्रेसिडेंट है। ज्योति जी, आप लोग यहाँ पहुंचे थे, आगे तो जाने नहीं दिया गया, आप क्या मांग लेकर पहुंचे हैं? जी देखो, सबसे पहले तो मैं इस घटना की कड़े शब्दों में आम आदमी पार्टी यूथ विंग निंदा करती है कि ऐसी घटनाएं हमारे समाज के लिए बहुत ही एक धब्बा साबित होती हैं। और जैसा कि आपको पता है कि संदीप सिंह के ऊपर आरोप लगाए गए महिला कोच ने, तो हम उस मुद्दे को लेकर यहाँ पे एकत्रित हुए और उनके आवास घेराव के लिए जा रहे थे लेकिन पुलिस वालों ने हमें यहाँ पे रोक दिया गया है। और हम ये मांग करते हैं कि हरियाणा सरकार से दरखास्त करती हूँ कि उनके ऊपर आपके कार्यकर्ता भी आगे जाने का प्रयास कर रहे हैं और उनको रोक रही है पुलिस, इस पर क्या कहेंगे आप? जी वो तो देखो जी, हमें आवास के घेराव के लिए जाना था लेकिन हमें रोक दिया गया है और हम महिलाओं के सम्मान के लिए उनकी लड़ाई लड़ने के लिए आखिर दम तक लगे रहेंगे। और महिलाओं, हम हरियाणा सरकार से भी ये मांग करते हैं कि उनके ऊपर तुरंत कार्रवाई की जानी चाहिए, FIR के बाद उनको गिरफ्तार करना चाहिए और उनके ऊपर सेक्सुअली मेंटली और जो फिजिकल हैरेसमेंट का जो केस है वो केस होना चाहिए और उसकी तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। संदीप सिंह पर गिरफ्तारी की मांग हो रही है, आप देखिए यहाँ पर धक्का मुक्की हो रही है, जो कार्यकर्ता यहाँ पर जुटे हैं उनको पुलिस हटा रही है और उनको बस में ले जाने का प्रयास किया जा रहा है,
चंडीगढ़ पुलिस की तरफ से पहले यहां पर बंदोबस्त किए गए थे। आप देखिए धक्का मुक्की चल रही है, जो कार्यकर्ता हैं उनको पीछे किया जा रहा है, जो चंडीगढ़ पुलिस के जवान हैं अफसर हैं वो चाह रहे हैं कि इस प्रोटेस्ट को खत्म कर दिया जाए। आप देखिए लगातार धक्का मुक्की का माहौल यहां पर बना हुआ है। पुलिस की कोशिश है कि हल्का बल प्रयोग करके इन लोगों को यहां से खदेड़ दिया जाए। तो काफी हंगामा मचा हुआ है। संदीप सिंह पर FIR हो चुकी है, लेकिन उनकी गिरफ्तारी हो, उनका इस्तीफा हो, इस मांग को लेकर आम आदमी पार्टी के द्वारा जोरदार प्रदर्शन किया जा रहा है। चंडीगढ़ से कैमरामैन वीर सिंह के साथ मोहित मल्होत्रा, TV9।